सभी किसान भाइयों को नमस्कार। किसान भाइयों, मैं गुरबाज सिंह वीर डिस्ट्रिक्ट करनाल हरियाणा से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं अपने पैतृक गांव गांव डबरी में हूं और किसान भाइयों, आज जो वीडियो बना रहे हैं वो PR 131 पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना के द्वारा सन 2021 में रिलीज ये किस्म और सन 2022 में इसका बीज वितरण किया गया था और बड़े स्तर पर इस वैरायटी ने कामयाबी हासिल की है। ये जो आप 2 एकड़ जो का प्लाट देख रहे हैं, लंबा है 2 एकड़, और इसमें ये ब्रीडर सीड पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना का ब्रीडर सीड लगा हुआ है जिससे बीज उत्पादन कर रहे हैं। आज ये हमारी प्रथम प्रक्रिया है जिसमें हम ऑफ टाइप प्लांट जो इस धान में ब्रीडिंग करते समय कुछ दाने मिल जाते हैं उनको निकालने का कार्य कर रहे हैं, ताकि जो बीज पूर्ण रूप से शुद्ध हो सके, उसमें कोई भी ऑफ टाइप प्लांट ना रख से। आप देख सकते हैं ये प्लांट ऐसा खड़ा हुआ जो निसारे पे आ गया, निसर गया है। ये किसी और अन्य किस्म का ऑफ टाइप प्लांट है जिसको निकालना अनिवार्य होता है। किसान भाइयों, बहुत बारीकी का कार्य है बीज का उत्पादन करना, उसमें से ये ऑफ टाइप प्लांट निकालना जब ब्रीडर बीज मिलता है। किसान भाइयों, इसकी महत्वपूर्ण विशेषताओं की बात करते हैं तो इसके ये जो 110 दिन में पक के तैयार हो जाते, इसके पौधे का जो कद है वो 107-8 सेंटीमीटर के आसपास है। ये जो रुपाई की गई है किसान भाइयों, 27 जून को इसकी रुपाई की गई है और इसका जो उत्पादन देने की क्षमता है वो 30 क्विंटल से लेके 40 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से आ जाता है। वो किसान भाइयों का रख रखाव कैसा है उसके ऊपर निर्भर करता है। किसान भाइयों, इसमें कोई भी बीमारी का प्रकोप नहीं आता है। इसमें बैक्टीरिया लीव ब्लास्ट, बैक्टीरिया लीव ब्लाइट, ये तमाम इसके प्रति जीन डाले गए हैं ताकि इसमें कोई भी समस्या ना आए। किसान भाइयों, बैक्टीरिया लीव ब्लाइट और शीत ब्लाइट जैसी विभिन्न बीमारियों के प्रतिरोध क्षमता इस वैरायटी में बहुत अधिक स्तर पर है, कोई भी बीमारी इसमें नहीं आती है। और अल चेपा तेले का प्रकोप भी, प्रभाव भी इसके ऊपर बहुत कम पड़ता है। किसान भाइयों, PR 131 का बीज उत्पादन कर रहे हैं। इस साल हमने 2 एकड़ में PR 131 की नर्सरी तैयार करके किसान भाइयों में वितरण की है और जितने भी किसान भाइयों से हमने वार्ता की है, बहुत अच्छा खेत है PR 131 का। किसान भाई बहुत खुश हैं। PR 114 का संशोधित रूप मान सकते हैं। PR 114 के सेगमेंट की वैरायटी है PR 131, सुपरफाइन कैटेगरी में आती है और PR 114 के रेट ही लगभग करनाल मंडी में बिक जाती है। और किसान भाइयों, ये जो बीज हम तैयार कर रहे हैं किसान भाइयों में वितरण के लिए उपलब्ध रहेगा। इसकी पनीरी भी हम आपको देंगे। इसकी रुपाई का जो कार्य है किसान भाइयों, किसान भाई इसकी जो धान की नर्सरी है वो 10 मई से लेके और 25-30 मई तक डाल सकते हैं और इसकी रुपाई का जो कार्य है वो भी 10 जून से लेके 30 जून तक इसकी रुपाई की जा सकती है। किसान भाइयों, मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो ऑफ टाइप प्लांट हैं जो निसर चुके हैं, तो अक्सर ऐसे जो प्लांट होते हैं जो निसर गए हैं उनको निकालना अनिवार्य होता है। किसान भाइयों, मैं गुरबाज सिंह विर्क आपसे वार्ता कर रहा हूँ और धान की और अन्य बहुत सारी किस्में 1509, 1692, 1847, 1785, 1718, PR 14, PR 26, PR 131, तमाम लंबी लिस्ट है जो बीज उत्पादन में लगी हुई है। इन सभी की जो नर्सरी है वो भी बिक्री के लिए उपलब्ध रहेगी। इसी के साथ वार्ता को विराम देता हूँ। जय जवान, जय किसान।